रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में एक बार फिर खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया। भुरकुंडा ओपी पुलिस पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाया। महिला की माने तो पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पूरे परिवार के साथ मारपीट की। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि नाबालिग भतीजे को 3 दिन तक हाजत में भी रखा। 1.5 लाख की वसूली के बाद बच्चे को छोड़ा गया। मामला SP तक भी पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। वाला उसमें ले गए, उसमें पूरा मारने लगे। उसके बाद घर के पीछे ले गए, वहां पे इतना मारे कि उचल नहीं पा रहे थे। उसके बाद मेरा बाल पकड़ के हमको बोल रहे हैं कि बिहार से आकर के यहाँ पे तुम लोग धंधा करती है, गांजा बेचवाती है, तुम्हारा पति तो चला गया है लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। इस महिला ने खाकी का खौफनाक चेहरा देखा है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी पुलिस पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला की माने तो भुरकुंडा पुलिस ने इसके साथ जाति की सारी हदें पार कर दी। गांजे के कारोबार के नाम पर देर रात को घर में दबिश दी, परिवार के तमाम सदस्यों के साथ बुरी तरह मारपीट की, अलमारी को पूरा एकदम खोल खाल के सत्यानाश किए, बक्सा को खोल के बर्बाद कर दिए, सूटकेस को खोल के बर्बाद कर दिए। कुछ भी मेरे घर से नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद में मेरे भतीजा को देख लिए, उसके बाद बोलते हैं कि इसको लेकर के चलो। हम बोले सर इसको मत लेकर के जाइए, इसको नहीं लेकर के जाने, ये मेहमान है। बोलते हैं ज्यादा बोलेगी, बड़ा बाबू का आदेश है कि तुमको 3 दिन से यहाँ हटा देंगे, यहाँ से सौंदर्य से। तुम लोग यहाँ से बिहार से यहाँ आई है तुम लोग यही सब करने के लिए। पुलिस यही नहीं रुकी। निशा चौधरी की माने तो भुरकुंडा ओपी प्रभारी उनके नाबालिग भतीजे को जबरन उठाकर थाना ले गए और 3 दिनों तक हाजत में रखा। निशा चौधरी का आरोप है कि ये सब वसूली के लिए किया गया। किशु नायक नाम के दलाल ने भतीजे को छुड़वाने के लिए 1.5 लाख की फरमाइश की। निशा चौधरी ने गहने बेचकर 1.5 लाख रुपए दिए। किशोर नायक बोला कि 1.5 लाख का इंतजाम करिए, आपका भतीजा को हम छुड़वा देंगे। किशु नायक जो थाना का दलाल है, किशु नायक वो बोला। उसके बाद में मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो हम अपना जेवर वगैरह जो भी है बेच करके, और उसको सुबह दिए थे करीब 8:30 बजे दिए थे 1 लाख रुपया उसी दिन, और फिर उसका शाम को हम 50,000 रुपया फिर ले जा करके भुरकुंडा थाना के पास दिए हैं, और पैसा किशु नायक ही लिए हैं और बोले हैं कि छोटा बाबू से हम बात करके आपका भतीजा को हम छुड़वा देंगे। और जब हम पैसा दिए और ठीक मेरा थाना से यहाँ घर आने के बाद मेरा भतीजा बुधवार का शाम को 7:30 बजे घर आ गया। भतीजा जब घर लौटा तो निशा चौधरी पुलिस कप्तान के पास पहुंची और भुरकुंडा ओपी पुलिस का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिसके बाद SP डॉक्टर विमल कुमार ने परतातू SDPO वीरेंद्र राम को जांच की जिम्मेवारी सौंपी। ये जो मामला, इस तरह का मामला जो संज्ञान में आया है उसकी जांच की जा रही है और बहुत जल्द उस जांच के आलोक में जो भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो की जाएगी। पुलिस पर आए दिन गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं। निशा चौधरी के आरोपों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो पूरे पुलिस महकमे के इकबाल पर सवाल खड़ा होता है। जरूरी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सवाल वही है, क्या पुलिस महकमा अपने ही महकमे के अफसरों पर हाथ डालेगा? रामगढ़ से TV45 के लिए अनुज कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अनुज, अगर हम बात करें तो रामगढ़ से बड़ी खबर का सामने आई, जहां एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं भुरकुंडा ओपी पुलिस पर, और महिला का कहना है कि गांजा कारोबार के नाम पर पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई, साथ ही साथ एक नाबालिग भतीजे को 3 दिन तक हाजत में रह गया। तो सवाल यह है अनुज, क्या इतनी मनमानी बढ़ गई है भुरकुंडा ओपी पुलिस की? जी अंकिता, बात करें रामगढ़ पुलिस प्रशासन की, बात करें तो इंडियन ओशियालेजर होता हुआ स्थिति देखा, परतातू प्रखंड क्षेत्र की बात करें तो भुरकुंडा ओपी प्रभारी जो है उनके थाना में ही एक कार्यरत निर्भय कुमार है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि एक महिला के द्वारा 1.5 लाख रुपए महिला से ली गई है, गांजा का मामला को लेकर 1.5 लाख रुपए ले गया और उनके भतीजे को 3 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा था। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला पैसे का खेल है, और उस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को पैसे देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था तो वह अपना घर का जेवर वो बेचकर पुलिस को 1.5 लाख रुपया दिया। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर रामगढ़ SP के द्वारा भी संज्ञान लिया गया। उन्होंने साफ तौर से, रामगढ़ SP ने भी कहा है कि पूरे मामले को जानकारी मिली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, और जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में दोषी होंगे उनपे निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर भुरकुंडा पुलिस से जब बात हुई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन खुलकर ये जो महिला पीड़ित जो है उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि भुरकुंडा पुलिस
के द्वारा 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई, अपने दो दलालों के माध्यम से पैसे की उगाही की गई है। और महिला ने यह भी कहा कि उनके साथ में महिला के साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट भी की गई है। ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो भरकुंडा पुलिस की यह कार्यप्रणाली कई सवालों को खड़ा कर रहा और क्षेत्र में कई चर्चा का विषय भी बना हुआ। पूरे मामले को लेकर जिले के एसपी ने भी संज्ञान लिया है। देखिए अनुज, बात करें तो पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, जिस तरीके से आपने बताया कि महिला के साथ भी बदसलूकी की गई, ये बातें निकलकर सामने आए। तो क्या 3 दिन तक एक नाबालिग को हाजत में रखा जाता, क्या शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए हैं? जी, हाजत में रखा गया नाबालिग को, उनके साथ में मारपीट नहीं हुई। हालांकि पैसे को लेन देन को लेकर उसे एक घर वाले को एक ड्रायर धमकाया गया, उसके बाद महिला के साथ मारपीट की गई थी। महिला ने आरोप भी लगाया, उनके साथ बाल पकड़ के खींचा गया, मारपीट भी की गई है। और उस बच्चे के साथ में नाबालिग के साथ में कहा जाए तो घर वाले को डराने के चक्कर में बच्चे को रखा कि 3 दिनों तक पैसा की मांग किया गया। घर वाले भी परेशान होकर, पैसे घर में नहीं थे तो वह अपनी जो गाड़ी कमाई की होती है जेवरात को बेचकर पैसा कलेक्ट किया और पुलिस कर्मियों को पैसा दिया। दो दलालों के माध्यम से पैसा दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से यह भी आरोप लगे हैं कि जिस महिला पे महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, और सूत्र पुलिस भी का यह कहना होता है कि महिला के द्वारा भी कई बार गांजा जैसे मामले पे इनकी संलिप्तता रही है। पुलिस उसी को अनुसंधान कर रही थी। महिला के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि निराधार आरोप है जिसके ऊपर यह पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगाया जाए, यह पूरी तरीके से निराधार है। लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पीड़ित महिला आरोप लगा रही है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैसे का लेन देन हुआ है। तो 1.5 लाख रुपए का पूरा मामला है। जी जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि रामगढ़ से खाकी का एक खौफनाक चेहरा सामने, आपने तस्वीरें देखी, आपने पीड़िता का बयान भी सुना। पीड़िता ने सीधे तौर पर भुरकुंडा ओपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांजा का तस्करी करने के नाम पर उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो गांजा का कारोबार करते, लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो पीड़िता का कहना है कि उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यहां तक कि पुलिस पैसे के लेन देन को लेकर उनके एक भतीजे को, नाबालिग भतीजे को 3 दिन तक हाजत में भी रखा। ये बड़ा सवाल है, पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या मनमानी चलेगी भरकुंडा पुलिस की? सीधे तौर पर एसपी ने अब संज्ञान लिया है। एसपी ने एसडीपीओ को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भरकुंडा ओपी पुलिस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।